नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। कल एक तरफ तो जहां पूरी मुंबई दिवाली से झूम उठी थी, हर जगह पटाखों की आवाज आ रही थी, वहीं एक पटाखे की चिंगारी की वजह से एक घर जलकर राख हो गया। मुंबई के बोरीवली गोराई भीमनगर प्लॉट नंबर 38 महाड़ा कॉलोनी में एक बंगले में अचानक आग लगने से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। आग को बुझाने के लिए 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 2 वाटर टैंक मौके पर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि आग करीब रात 11:30 बजे पर लगी थी। आसपास के घर को खाली करा दिया गया था। आग लगने की कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आग जलने का कारण दीपावली में पटाखे फोड़ने बताया जा रहा है। पटाखों के कारण घर जलकर खाक हो गया, जिसके बाद पटाखे की चिंगारी गिरने से बंगले में आग लग गई। राहत की बात यह है कि कोई जान हानि नहीं हुई है। करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। जहां एक तरफ दिवाली के पहले लगातार ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है मुंबई में, तो आइए एक नजर डाल देते हैं कि आखिर दिवाली में इतनी पटाखों का पॉल्यूशन पर, वातावरण पर क्या असर पड़ा है। दिवाली की रात में भारी प्रदूषण की भविष्यवाणी के बावजूद मुंबई में मध्यम वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 150 से 165 पर देखा गया। दिवाली की रात मुंबई में लगभग सामान्य तापमान, आर्द्रता और हवा की गति थी। एक रिपोर्ट के अनुसार सप्ताह की शुरुआत से शहर का AQI खराब श्रेणी में था, यानी 201 और 300 के बीच। मुंबई को 300 से ऊपर AQI को छूने की भविष्यवाणी की गई थी, जिसे बहुत खराब गुणवत्ता माना जाता है, जो लंबे समय तक के लिए मामले में सांस की बीमारी का कारण बनता है। हालांकि SAFAR ने भविष्यवाणी की है कि शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा और गुरुवार की रात और शुक्रवार की सुबह के बीच बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाएगा। सफर के AQ पूर्वानुमान के अनुसार 4 नवंबर और 5 नवंबर दोनों को नवी मुंबई, BKC और चेंबूर में सबसे प्रदूषित क्षेत्र होने की उम्मीद है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। लोकल ट्रेन में आमतौर पर बहुत भीड़ होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दरवाजों को ब्लॉक कर खड़े हो जाते हैं, आपको अंदर चढ़ने तक नहीं देते। ऐसा ही हुआ एक व्यक्ति के साथ, जिसके बाद उसने गुस्से में कुछ ऐसा कदम उठाया कि सब हैरान रह गए। देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई में एक व्यक्ति ने ट्रेन में चढ़ने से रोकने पर 2 लोगों की हत्या कर दी। लोकल ट्रेन में यात्रा करने के लिए वो फर्स्ट कंपार्टमेंट में चढ़ा तो यह यात्रियों ने उसे रोका। इस पर गुस्से में उसने फुटपाथ पर रहने वाले इन 2 लोगों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुरेश शंकर गौड़ा ने पूछताछ में बताया कि ट्रेन में कुछ यात्रियों के साथ उसका विवाद हुआ था। वो गलती से फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में चढ़ गया था। इसे लेकर कुछ यात्रियों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, गाली गलौज की, उसे ड्रग्स एडिक्ट कहा, लिहाजा उसे भाईखला स्टेशन पर उतरना पड़ा। तमतमाए गौड़ा ने ट्रेन में हुए वाक्य का गुस्सा फुटपाथ पर सोते हुए 2 व्यक्तियों पर निकाला, उसने उनकी हत्या कर दी। दक्षिण मुंबई में 2 लोगों की 15 मिनट में कथित तौर पर हत्या करने के आरोपी सुरेश शंकर गौड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 40 वर्षीय आरोपी गौड़ा ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने गुस्से में वारदात को अंजाम दिया। ट्रेन में कुछ लोगों की वजह से उसे भाईखला स्टेशन पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने बताया कि भाईखला और JJ मार्ग के बीच लगे CCTV कैमरों से हमने गौड़ा की गतिविधियों को देखा। वो शाम करीब 7:30 बजे बदलापुर CST ट्रेन से उतर गया था। पुलिस के मुताबिक गौड़ा ने 23 अक्टूबर को भाईखला फुट मार्केट और JJ मार्ग के फुटपाथ पर सो रहे 2 अज्ञात व्यक्तियों की हत्या की थी। उसने पहले हत्या भाईखला में शाम 7:50 पर की, जबकि दूसरी हत्या 8:05 पर की। पुलिस के मुताबिक गौड़ा भी फुटपाथ पर रहता है। जांच में पता चला कि गौड़ा कर्नाटक के हासन जिले का रहने वाला है, जो कि 21 साल पहले नौकरी की तलाश में मुंबई आया था। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। जमानत के बाद आज आर्यन खान NCB दफ्तर में पेश हुए। 30 अक्टूबर को आर्यन खान रिहा हुए थे और सशस्त्र उनकी जमानत की गई थी, जिसके अनुसार हर शुक्रवार तमाम आरोपियों को NCB दफ्तर में हाजिरी लगाना अनिवार्य था।
क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन वो अभी पूरी तरीके से इस केस से फ्री नहीं हुए हैं। शुक्रवार को आर्यन खान जमानत मिलने के बाद पहली बार एनसीबी के समक्ष पेश हुए। बता दें कि पिछले हफ्ते 23 वर्षीय आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से निर्धारित शर्तों के आधार पर जमानत मिली थी, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि वो हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एनसीबी के समक्ष पेश होंगे। इस शर्त को पूरा करने के लिए आर्यन खान एनसीबी दफ्तर पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन अपने वकील निखिल मान शिंदे के साथ सफेद रंग की रेंज रोवर कार में दक्षिण मुंबई के एनसीबी कार्यालय के लिए रवाना हुए थे। आर्यन को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अन्य आरोपियों के साथ अरेस्ट किया गया था। आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में करीब 22 दिनों तक बंद रखा गया था और 30 अक्टूबर को वो जेल से रिहा हो गए थे। आर्यन खान के अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमिन धमेचा को भी जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्यन खान को एनडीपीएस अदालत के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और विशेष अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ना और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना होगा। आपको बता दें कि शाहरुख के बेटे आर्यन खान समेत मर्चेंट और धमेचा को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इन तीनों पर एनसीबी ने ड्रग्स की बरामदगी, उसका इस्तेमाल, बिक्री और खरीदी के लिए एनजीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। एनसीबी को आर्यन के पास से ड्रग्स तो बरामद नहीं हुई थी, लेकिन एनसीबी ने कोर्ट में दावा किया था कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट्स में साबित होता है कि अवैध ड्रग्स डील में शामिल थे, उनकी विदेशी ड्रग्स पेडलरों के साथ संबंध भी थी। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। नारायण राणे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो इस वक्त काफी चर्चा में है। मुख्यमंत्री ठाकरे को उन्होंने राज्य पर कलंक तक बता दिया, साथ ही नवाब मलिक को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नवाब मलिक को दूसरों के बेडरूम में जाने की क्या जरूरत है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर आज नारायण राणे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या धमाका किया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने ठाकरे सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ठाकरे सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी, ये सरकार किसी भी क्षण जाएगी, उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधे ठाकरे सरकार पर हमला बोला है। मुझे नहीं लगता कि सरकार 5 साल पूरा करेगी, ये सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी, उन्हें 5 साल तक सत्ता में रहने का भी अधिकार नहीं है, उन्हें मंत्री बनाने का भी अधिकार नहीं है, ये भ्रष्ट मंत्री है, राज्य के हित में कुछ भी नहीं हो रहा है, उन्हें सत्ता में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है, ये सरकार किसी भी क्षण जाएगी, उन्हें पता ही नहीं है। राणे ने दावा किया कि भ्रष्टाचार के कारण ये सरकार जाएगी। नारायण राणे ने आगे मुख्यमंत्री ठाकरे की भी आलोचना की है। मुख्यमंत्री ठाकरे कैबिनेट में नहीं जाते हैं, मंत्रालय में नहीं जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या करना है, जिस विषय पर नहीं बोलना चाहिए उस पर बात करते हैं। क्या ये सीएम है? मैंने अपने जीवन में किसी भी राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री कभी भी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनका नाम राज कपूर के नाम पर रखना होगा, सारा काम मातोश्री में बैठकर ही किया जाता है। देखिए महाराष्ट्र में कितनी तरक्की है, क्या आपने लोगों की भलाई के लिए कुछ किया है? न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर, कम तो केंद्र सरकार द्वारा कर ही दिया गया है, अब महाराष्ट्र सरकार वैट टैक्स हटाए इसको लेकर घमासान छिड़ गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर देशवासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 5 और डीजल की कीमतों में 10 रुपयों की कमी की गई है। इसके अलावा भाजपा शासित 9 राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर वसूला जाने वाला वैट टैक्स कम कर दिया है, जिसके बाद से महाराष्ट्र सरकार विपक्षी दल भाजपा के निशाने पर है। इस बीच भाजपा के तेज तर्रार नेता करत समैया ने ईंधन पर वसूले जाने वाले वैट टैक्स को कम ना करने को लेकर ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। करत समैया ने कहा ठाकरे सरकार प्रति लीटर पेट्रोल पर 30 रुपए का कर वसूलती है, ये बात उद्धव ठाकरे और शरद पवार जानबूझकर छिपा रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 30 रुपए कम करे ताकि पेट्रोल की कीमत 90 रुपए तक पहुँच जाए। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। कोरोना को लेकर WHO ने एक नया अनुमान लगाया है, जिसको लेकर लोगों की टेंशन, स्वास्थ्य विभाग की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए इस रिपोर्ट में।
पिछले दो सालों से दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है। इस वायरस के कारण अब तक करोड़ों लोग दुनिया भर में जान गंवा चुके हैं। लगभग दुनिया के हर देश में कोरोना के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। अब एक बार फिर कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डरावनी भविष्यवाणी की है। दरअसल WHO ने एक बार फिर दुनिया भर में कोरोना की स्थिति बिगड़ने की संभावना जताई है। WHO के मुताबिक फरवरी 2022 तक कोरोना के कारण 5,00,000 लोगों की मृत्यु की संभावना है, जिसको लेकर WHO ने चिंता जताई है। वहीं हमारे देश हिंदुस्तान पर भी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि हमारे देश में बड़ी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाने का काम पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, जिससे कोरोना की लड़ाई में काफी मजबूती मिल रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। एक बुजुर्ग महिला की लाश आज एक खाड़ी से बरामद की गई है, जिसके बाद लोग हैरान हैं। इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर ये हत्या है या फिर महिला ने आत्महत्या किया है। मुंबई से सटे थाने शहर में आज सुबह 7:30 बजे स्थानीय नौपाड़ा पुलिस को एक अज्ञात महिला की लाश मिली है। महिला की उम्र 60 से 65 वर्ष तक बताई जा रही है। बुजुर्ग महिला की ये लाश कचरली खाड़ी में मिली है। मौके पर दमकल विभाग और नौपाड़ा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने पहुंचकर महिला के शव को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक इस मामले में नौपाड़ा ने ADR एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की जाँच शुरू की जा चुकी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि महिला ने आत्महत्या किया या फिर उनकी हत्या की गई। राहुल शुक्ला के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है मुंबई के आज के कोरोना अपडेट का, एक नजर डालते हैं मुंबई के आज के कोरोना अपडेट पर। मुंबई में बीते 24 घंटों में कोरोना के 238 मामले सामने आए हैं। 276 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 4 मरीजों ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। वहीं अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो 24,901 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें से 238 पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो 3,326 लोग अभी मुंबई में कोरोना से जूझ रहे हैं। रिकवरी रेट 97% है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन इस वक्त एक भी मौजूद नहीं है और एक्टिव सील बिल्डिंग 22 है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से लगातार ये खबर आ रही थी कि सिद्धार्थ के मौत के पहले ही शहनाज और सिद्धार्थ का ब्रेकअप हो चुका था। अब इस पर शहनाज के